हेलो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दूसरे और तीसरे महीने बहुत नाजुक माने जाते हैं, क्योंकि इस समय शिशु का शुरुआती शारीरिक विकास होता है। इस समय की गई लापरवाही आने वाले समय में गर्भ के लिए, शिशु के लिए और गर्भवती महिला के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए इन शुरुआती महीनों में आपको अपना खास ध्यान रखने की जरूरत होगी, ताकि आप किसी भी नुकसान से बच सकें और आपकी खुशियां बरकरार रहें। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रही हूं कि प्रेगनेंसी के दूसरे और तीसरे महीने में गर्भवती महिला को अपना ध्यान कैसे रखना चाहिए। दोस्तों, मुझे पता है रिजल्ट पॉजिटिव आते ही आप डॉक्टर से जरूर मिले होंगे। अगर अभी तक किसी कारणवश नहीं मिली तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से मिलें, क्योंकि गर्भधारण के बाद से ही शरीर में काफी हार्मोनल बदलाव होने शुरू हो जाते हैं, जिसके चलते बहुत सी शारीरिक परेशानियां होने लगती हैं। डॉक्टर आपको जरूरी टेस्ट करवाएंगी, दवाएं देंगी और खान पान की सही जानकारी देंगी कि आपको क्या खाने चाहिए, ताकि शुरुआती दौर में आपका गर्भ सुरक्षित रह सके। पहले हम गर्भ के बारे में सोचते हैं, उसके बाद शिशु के विकास के बारे में सोचते हैं, फिर अपने शारीरिक फिटनेस के बारे में सोचते हैं, ताकि आप अपने खूबसूरत बच्चे को जन्म दे पाए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, गर्भावस्था के पहले 3 महीनों में शिशु के अंदरूनी अंगों का विकास शुरू हो जाता है। इन सभी अंगों के संपूर्ण विकास के लिए शरीर में कई सारे विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत होती है, और ये विटामिन्स और मिनरल्स आपके खान पान से ही मिलता है और मेडिसिन से मिलता है। आपको खुद नहीं पता कि क्या खाने से शरीर को कितने फायदे होंगे और क्या मिलेगा। आपको डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि वही आपका देखभाल करेंगे, वो आपको दवाइयां देंगी, वो शरीर में होने वाली कमियों को पूरा करने में मदद करेंगे। ऐसा ही एक तत्व है फोलेट, जो गर्भावस्था के दौरान बहुत जरूरी होता है। फोलेट आपको खान पान में भी मिलेगा और मेडिसिन में भी मिलेगा। गर्भावस्था के दौरान शरीर में फोलेट का सही मात्रा में होना बहुत जरूरी है। फोलेट शिशु की हड्डियों, मस्तिष्क, नर्वस सिस्टम और कई सारे महत्वपूर्ण अंगों के विकास में मदद करता है। इसलिए प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद से लेकर डिलीवरी तक फोलेट युक्त खाद्य पदार्थों का और दवाइयों का सेवन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, ऐसे तो डॉक्टर आपको मेडिसिन देंगे, फिर भी आप इन खाद्य पदार्थों को जरूर खाएं। इनमें फोलेट होता है, जैसे राजमा, छोले, मटर, बीन्स, लोबिया, अंडे, हरी पत्तेदार सब्जियां, चुकंदर, संतरे, ब्रोकली, ड्राई फ्रूट्स और केले। दोस्तों, गर्भ में पल रहे शिशु के विकास के लिए शरीर में ब्लड का सही मात्रा में होना बहुत जरूरी होता है। शरीर में खून की कमी होने पर शिशु के विकास में तो बाधाएं आती ही है, साथ साथ गर्भवती महिला को भी कई तरह की परेशानियां होने लगती हैं। इसलिए जरूरी है कि महिला के शरीर में खून की कमी ना हो। इसके लिए आप शुरुआत से ही आयरन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन जरूर करें।
ये शरीर में खून की कमी को पूरा करेगा और शिशु के विकास में भी मदद करेगा। बीन्स, काजू, चुकंदर, अनार, पालक, दालों, सोयाबीन, मटर, छोले, राजमा, ब्रोकली, डार्क चॉकलेट में आयरन की काफी मात्रा होती है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीनों में महिला का मूड स्विंग्स बहुत तेजी से होते रहते हैं, जैसे खाने की इच्छा ना होना, सुबह सुबह चक्कर आना, बहुत कमजोरी फील होना, मुंह फीका लगना, हमेशा वॉमिटिंग का मन करना, आंख के आगे अंधेरा छाना, किसी काम में मन नहीं लगना, मन बेचैन रहना, इन सभी कारणों से उनके खान पान में दिक्कत आ जाती है। खाने का मन नहीं करता, कुछ भी खाने की चीजें देखती हैं तो वॉमिटिंग भी शुरू होने लगती है, मन नहीं करता देखने का, पर इससे तो काम नहीं चलेगा। आपको उचित भोजन और मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी ताकि इन बदलावों को आप बैलेंस रख सकें। अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। कुछ चीजें जो आपको शुरुआती दौर में नहीं खाने, जैसे कच्चा पपीता बिल्कुल भी नहीं खाएं, कटहल, अनानास, खट्टे फल, गर्म चीजें। इसके अलावा बाहर के खाने को अवॉइड करें, जो भी खाएं ताजा खाना खाएं, कम तेल मसालेदार खाएं ताकि आपको इस दौरान होने वाली समस्याओं से निजात मिल सके और गर्भ को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचे। दोस्तों, गर्भावस्था के शुरुआती 3 महीनों में सबसे ज्यादा बदलाव शरीर में आते हैं, वो बदलाव इंटरनल होता है। शारीरिक और मानसिक परेशानियां भी होने लगती हैं। बहुत सी महिलाएं इन परेशानियों के कारण वो तनाव में आ जाती हैं, चेंजेज के कारण तनाव में आ जाती हैं, और तनाव गर्भ में पल रहे शिशु के लिए ठीक नहीं होता। इस दौरान महिला काफी गुस्सैल और चिड़चिड़ी भी हो जाती है, उनका स्वभाव चेंज हो जाता है। इसका सीधा प्रभाव आपके शरीर पे पड़ता है, आपके गर्भ पे पड़ता है और आपके रिलेशनशिप पर भी पड़ता है। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों, ऐसे में लोग आपकी सराहना करेंगे और प्यार करेंगे, आपकी हालत को कोई नहीं समझेगा। इसलिए आपको पेशेंस रखने की जरूरत होगी ताकि किसी भी ऐसे समस्या से बचा जा सके। कुछ दिनों की बात है, इसलिए संयम रखें। दोस्तों, आपको पता है शरीर में कितनी भी समस्या हो, अगर इंसान को नींद सही समय पर आ जाए तो आधी बीमारी ऐसे ही खत्म हो जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान भरपूर नींद लेना बहुत जरूरी होता है। जब आप भरपूर नींद लेंगे तो आपको दिन भर फ्रेशनेस महसूस होगी, सिर में दर्द नहीं रहेगा, बदन दर्द की समस्या नहीं रहेगी, थकान भी कम होगी। इसलिए गर्भावस्था के दौरान भरपूर नींद लेना बहुत जरूरी होता है। रात में जल्दी सो जाएं, सुबह भी समय से उठ जाएं, ज्यादा सोना भी ठीक नहीं है, आप 8 घंटे की नींद जरूर लें, भूलकर भी 10 घंटे से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं सोएं और 7 घंटे से कम भी नहीं सोए। आप खुद देखेंगे आप में कितना बदलाव आ जाएगा अगर आप सही समय पर सोएंगी और सही समय पर उठेंगी तो। दोस्तों, प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में शिशु के अंदरूनी अंगों का विकास होना शुरू हो जाता है और बाहरी अंगों की आकृतियां उभरने लगती है। शिशु का विकास धीरे धीरे होने लगता है, इसकी वजह से महिलाओं को पेट दर्द की समस्या हो जाती है। पेट में हमेशा हल्का हल्का दर्द रह सकता है, पर यह बात आपको ध्यान रखनी है, कभी कभी 1-2 मिनट का दर्द तो ठीक है, अगर दर्द ज्यादा हो और रोजाना ज्यादा समय तक रहे तो आप इसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करें। अगर सफेद पानी ज्यादा चलता हो, ब्लीडिंग की समस्या हो, चाहे कम ही क्यों ना, बिना देर किए डॉक्टर से जरूर मिलें।
दोस्तों, अब मैं एक आपको व्यावहारिक बातें बताने वाली हूँ। कई महिलाएं गर्भधारण के बाद जैसे ही पता चलता है कि रिजल्ट पॉजिटिव है, मूड में आ जाती हैं। अचानक खानपान में बदलाव, योगा, तरह तरह के अव्यवहारिक कार्य शुरू कर देती है। किसी को खट्टा खाने का मन नहीं भी करता है, वो खट्टा खाने लगती है ताकि लोगों को पता चले और एक्स्ट्रा अटेंशन मिले। मैं जानती हूँ आप उनमें से एक नहीं होंगे, पर कुछ महिलाएं होती हैं जो पैम्पर हो जाती हैं, तरह तरह के कारनामे स्टार्ट हो जाते हैं। मैं उनसे कहना चाहती हूँ, आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपका मन जानता है, लेकिन शुरुआती दौर में ज्यादा पैम्पर ना हो, ये आपके गर्भ के लिए ठीक नहीं है, उल्टे नुकसान पहुंच सकता है। अटेंशन मिलने की बजाय कुछ और ही मिल जाएगा, क्या फायदा। माफ कीजिएगा, मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा, आपके लिए कह रहे हैं, आपके हित के लिए कह रहे हैं। दोस्तों, शुरुआती 3 महीनों में संबंध बनाना सेफ नहीं होता, और अगर आप बनाते भी हैं तो नॉर्मल तरीके से बनाएं, अपने आप पर काबू रखें। जिन महिलाओं की प्रेगनेंसी किसी मेडिकल प्रोसेस से हुई है या बड़ी मुश्किल से हुई है, उन्हें अपना विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी खुशियां निराशा में कभी नहीं बदलेंगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। कोई प्रश्न हो तो कमेंट जरूर करें, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर जरूर दूंगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि पूरी गर्भावस्था और इसके बाद भी आपको बेहतरीन टिप्स मिल सके। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके काम आएगी। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।